कोलकाता के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आप देखिए क्या चल रहा है, पहले तो बीजेपी का लोग फोन करते हैं किसको, इतना रुपया दे दो यही तो आपको सीबीआई पकड़ देंगे। कोई फिर आपको फोन करते हैं सीबीआई से कह रहे हैं और ईडी से कह रहे हैं और इनकम टैक्स से कह रहे हैं, नाम तो मिसयूज करते हैं बीजेपी लोग। केंद्र सरकार और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच जारी टकराव को लेकर खबर है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और पीएम के बीच ये मुलाकात पिछले हफ्ते शुक्रवार को पीएमओ में हुई। सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के समय सरकार और आरबीआई के बीच मतभेदों पर चर्चा की गई। खबर है कि इस बैठक के बाद आरबीआई ने एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए अधिक कैश जारी करने पर हामी भरी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सरकार ने भी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की मदद के लिए दबाव नहीं बनाने के संकेत दिए। बैठक के बाद ये भी उम्मीद है कि आरबीआई कुछ बैंकों को पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से हटा देगा। सूत्रों का ये भी दावा है कि फिलहाल आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल भी इस्तीफा नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपने इस बयान में सोनिया गांधी को निशाने पर लिया, जिस पर बीजेपी घिर गई, जिसके बाद उनकी स्टेटमेंट पर विवाद गहरा गया। इलेक्शन के बीच मनोज तिवारी की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से ऑपोजिशन को भी बीजेपी पर अटैक करने का मौका मिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मनोज तिवारी ने अंबिकापुर में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को टारगेट ही नहीं किया, बल्कि वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बीजेपी ही घिर गई। असल में समस्या इसलिए है कि सोनिया जी ने कभी छठ नहीं किया। अगर सोनिया गांधी जी छठ की होती तो बड़ा बुद्धिमान आता। कांग्रेस ने मनोज तिवारी की स्टेटमेंट पर अफसोस तो जताया ही, साथ ही इसे देश का अपमान करार दे दिया। क्या आज वो तमाम माएं जिन्होंने छठ पूजा नहीं रखी उनका अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि साउथ इंडिया में छठ पूजा नहीं होती, क्या वहाँ बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं? ये पूरे देश का अपमान है। कांग्रेस के अटैक के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने मनोज तिवारी के बयान से किनारा कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने मनोज तिवारी पर हमला जारी रखा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने छठ पूजा का जिक्र करते हुए मनोज तिवारी पर निशाना साधा। सोनिया जी ने छठ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है और मुझे इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन उनकी माँ ने तो छठ किया था, फिर ऐसा मूर्ख बेटा कैसे पैदा हो गया। राजस्थान में बीजेपी की उम्मीदवार पूनम कंवर घूंघट की ओट में चुनाव प्रचार के लिए निकली। भारतीय परिवार की बहू पूनम कंवर को बीजेपी ने बीकानेर की श्री कोलायत सीट से उम्मीदवार बनाया है। जहां वो घूंघट के साथ मीडिया के सामने आई, श्री कोलायत सीट पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछला चुनाव हारने के बाद अब मोर्चा बहू पूनम कंवर ने संभाला है। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह भाटी की पत्नी पूनम कंवर का ये पहला चुनाव है, लेकिन उनका दावा है कि घूंघट चुनाव में बाधा नहीं है। इसमें कुछ घूंघट का तो कोई बात ही नहीं, कोई आड़े नहीं आता घूंघट इसमें जी। अभी भी आती है महिला, मैं भी जाती हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम कंवर परंपरागत तौर तरीकों के साथ महिलाओं से मिली और उनसे बातचीत की। उन्होंने इलाके में महिलाओं के विकास के लिए काम करने का दावा किया। महाराष्ट्र के धुले महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक अनिल अन्ना गोटे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने मंच पर जमकर हंगामा किया। अनिल गोटे राज्य के मंत्री गिरीश महाजन को धुले का बीजेपी प्रभारी बनाए जाने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की रैली में पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया और स्पीच देने की जिद करने लगे। इस दौरान वहां मंच पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट राव साहेब दानवे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और स्टेट के मिनिस्टर गिरीश महाजन मौजूद थे। बीजेपी एमएलए अनिल गोटे की गिरीश महाजन को इंचार्ज बनाए जाने को लेकर राव साहब दानवे से बहस हो गई। हालांकि स्टेज पर मौजूद दूसरे बीजेपी नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अनिल गोटे के सपोर्टर लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। बीजेपी एमएलए का हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें मंच से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी भी मच गई, जिसके बाद पुलिस वाले अनिल गोटे को प्रोग्राम से बाहर ले गए। अनिल गोटे धुले सिटी से लगातार दूसरी बार बीजेपी के एमएलए चुने गए हैं, जो कई बार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और गिरीश महाजन का विरोध कर चुके हैं।